अस्सलाम वालेकुम। तो यार कैसे हो आप? मुझे लगता है आप बड़े चंगे थे, फिट थे, फाट होसोगे। तो यार मैं आज बहुत बोर हो रहा था तो मेरा एक मोटा दोस्त आ गया, तो मिल गई हमारी मोटू पतलू की जोड़ी। कहता यार ट्रोजर लेके आया था शहर से, तो ये चेंज करवाने जाना, चलो चलते हैं। मैंने कहा चल वे मखना। बंदा इन कन्नो मोटो दो लाए, तेन पता नहीं उसे चेक करके लिया था। फिर मैंने 150 साल पुरानी अपनी बाइक इसके हाथ में थमा दी और खुद मैं पीछे बैठ गया। हम अपने साथ एक चवल जमाने को भी साथ लेके जा रहे हैं, वो आ गया जी। शक्ल देखो कैसे मासूमियत से भरी भरी है, लेकिन अंदर से तौबा अस्तगफिरुल्लाह। जाते हुए हम पियासो पर पहुंचे तो इस मोटे ने बड़ा दिल करके भाई 100 का पेट्रोल डलवा दिया, वो भी मेरी गाड़ी में। भाई क्या खच पाई गई है। फिर हम गुजरांवाला सिटी के शेरांवाला बाग के पास पहुंचे, क्योंकि हमारी मोटी खच ने यहाँ से ट्रोजर चेंज करवाना था। आखिरकार हम 3 साल के सफर के बाद पहुंच गए। फिर नसीबो रेडबुल कहती है पा जफिया जालमा। 4 घंटे की फुलाफले लगाने के बाद इसने एक ट्रोजर पसंद किया। मैं क्या वीरे लख लख मुबारक दिन कह सकता, लान ही नहीं। फिर ये ट्रोजर ट्राई करने के लिए नीचे चला गया। मैंने कहा या अल्लाह आज खैर कर लेना, क्योंकि यार मोटा इतना इसको कोई चीज पूरी नहीं आती। पूरी दुकान में से इसको सिर्फ एक ट्रोजर पूरा आया, फिर इसने पसंद करके वही लिया। ये माल वापिस हो गया। हमने बाजार से घर जाते हुए देखा कि इतने ज्यादा बुजुर्ग ताश पत्ते खेल रहे थे। भाई लाइफ हो तो इनके जैसी, ना कोई फिक्र ना कोई बात, टेंशन तो हमें है कमाने की, उनको क्या टेंशन, उनको ना बच्चों की फिक्र है ना किसी और की, मस्त मोला है सारे। बाजार से घर जाते हुए पार्क के बाहर गाड़ी खड़ी कर दी। कहीं पर भी हवा का नामो निशान नहीं था, क्योंकि भाई सोन भादरों का मौसम है ना। ये कैट सब खेल रहे हैं या स्टूडेंट के साथ, शायद कोई हमजा भी हो। बाद में छैया करते हुए ट्रेन आ गई। मैंने दोस्त को कहा यार ये देखो इसकी भी पट रही है, लेकिन हमारे साथ नहीं भी पट रही। बहुत दुख हुआ भाई, बहुत ज्यादा दुख हुआ, दिल के अरमान आंसू में बह गए। ये मेरे साथ आई हुई जमाने की चवले पता नहीं पुट्ठे सीधे कौन से पोज लगा के फोटो बना रहे थे। यार बाद में हमें तबलीगी जमात वाले मिल गए और उन्होंने हमें दीन की कुछ बातें बताई। हमने कहा इंशाल्लाह आपकी बातों पर हम पूरा अमल करेंगे। हम इतनी देर से आए थे तो हमारा घर जाना बनता था। फिर हमने घर वापसी का रास्ता पकड़ा और इतने में शाम हो गई। जाते हुए अपने भाई के चैनल मिस्टर सेठ को सब्सक्राइब जरूर करते जाना और कमेंट में अपनी राय जरूर देते जाना। बाकी गुड हो गए, थैंक यू, मिलती है नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।